हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आप सबका स्वागत है GTA5 की नई वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और आप देख सकते हैं मैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ। तो चलते हैं थोड़ा यार न्यूज़ देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में। लॉस सेंटोस में आ चुकी है बहुत ही ज्यादा गरीबी। सभी लॉस सेंटोस के वासी दुकान, गाड़ी, बंगला सब लूट के भाग रहे हैं क्योंकि किसी के पास भी कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। लॉस सेंटोस में बहुत ही हालत खराब। अरे भाई साहब, यार लॉस सेंटोस की हालत यार दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सबके सब गरीब होती जा रही है। क्या चल रहा है यार ये। मित्रों, आज के अवसर पर मैंने तुम्हें बुलाया है अपने घर पे, तो फटाफट से आ जाओ। बाय बाय। अरे हेलो हेलो, अरे भाई फोन ही काट दिया। अरे गाइस, सर अभी आपने देखा कि भाई मुझे मोदी जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया पर यार उन्होंने फोन क्यों काट दिया एकदम से। अरे भाई क्या चलता रहता है, तो फटाफट से चलते अपन मोदी जी के घर पर। शिनचैन को बुला रहे थे। शिनचैन अबे शिनचैन का गया सुबह सुबह। अबे चौबे शिनचैन कहाँ पे गया। आओ फ्रैंकलिन, मुझे क्या पता शिनचैन कहाँ पे गया। अरे भाई तेरे को कुछ बोल के तो गया होगा ना। आओ फ्रैंकलिन, नहीं पता, वो तो सुबह से कहीं गया हुआ है। चल ठीक है यार, मैं जाता हूँ। चलो भाई सर अपन ही चलते हैं मोदी जी के घर पर। शिनचैन यार पता नहीं कहाँ पे गया हुआ है। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मोदी जी के घर पे। और यहाँ पे ये लोग कौन है। अरे भाई साहब क्या हो गया। अरे भाई साहब तुम ही हो क्या फ्रैंकलिन। अरे हाँ फ्रैंकलिन तो मैं ही हूँ। अरे भाई साहब आपके लिए गिफ्ट है, जाके देखो पीछे। मेरे लिए गिफ्ट? अरे भाई किसने भेज दिया मेरे लिए गिफ्ट। अरे भाई साहब आप भी देख लो ना। अरे भाई कौन सा गिफ्ट है, देखे तो सर ये हमारा गिफ्ट। अबे ये तो खाली है। अरे वो पागल बना रहा, खाली है। और ओए, अरे भाई गेट ही बंद कर दिया। अरे भाई खोलो। हेलो भाई कहाँ चले गए। अरे भाई गेट खोलो। अरे भाई क्या हो गया, भाई गेट खोलो। अरे चलो इसको तो मैंने किडनैप कर लिया, चलो अब इसको अपने बॉस के पास छोड़ किया जाता हूँ। कितना इजी था इसको किडनैप करना। अरे भाई गाड़ी भी चलने लग गई। अरे भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हो। भाई साहब मैंने क्या किया, भाई साहब प्लीज छोड़ दो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। अबे साले किधर लेके आ गया मुझे, ये ले। अरे फिकी मैं पीछे देखो। अरे भाई ये कहाँ से आ जा रही है। अरे भाई शिनचैन तुम इधर। मित्रों हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। अरे भाई ऐसे कौन बुलाता है भाई, ऐसे किडनैप करा के। अरे विकी भी ये आइडिया मेरा था, कैसे लगा आपको। अबे एकदम बकवास आइडिया था भाई, ऐसे कौन बुलाता है किडनैप करा के। मित्रों वो सब छोड़ो, जैसा कि तुमको पता है लॉस सेंटोस में हर जगह गरीबी छाई हुई है। तो फ्रैंकी भैया मोदी जी और मैंने सोचा है क्यों ना हम एक फ्री शोरूम खोले सबके लिए। वहाँ पे कोई भी जना आके फ्री में कार लेके जा सकता है। अबे क्या फ्री में कार। अरे हाँ विकी भैया यार वही तो, फ्री में कार, जो भी वहाँ पे आएगा उसको फ्री में कार देंगे। यही कितने बढ़िया आइडिया ने विकी भैया। अबे कैसा आइडिया भाई, फ्री में कार कैसे देंगे। अरे विकी भैया मैंने मोदी जी को बोल दिया आप पैसों का जुगाड़ कर लोगे। अरे भाई मैं कैसे करूँगा, पागल है क्या। तो गाइस अभी मैंने मोदी जी और शिनचैन से बात कर ली पूरी की पूरी सारी बातें। मुझे कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ तो करना ही होगा कैसे भी करके, ताकि हम खोल सके एक फ्री कार शोरूम। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा पैसों के लिए। तो गाइस सिर्फ एक ही जना है जो हमें दिला सकता है बहुत सारे पैसे जिससे हम खोल पाएंगे शोरूम, वो है हमारा लेसर। तो अभी हम उसके पास आ चुके, उसको फटाफट से बोलते हैं थोड़े पैसों का जुगाड़ कर दे और हमारा लेसर यहीं पे खड़ा है। लेसर भाई। हां भाई पैसों की जरूरत पड़ गई ना, ऐसे हमेशा तू जब भी बोलता है जब तक पैसों की जरूरत होती है पैसे तो मेरे से मिलने भी नहीं आता। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है यार, पैसे की जरूरत दिलवा दे यार। अच्छा थोड़े पैसे चाहिए, मेरी बिल्ली है ना उसको धो दे, मैं तेको थोड़े पैसे दे दूंगा। अबे चल चल फालतू के काम नहीं करूंगा। अरे देख तो सर कितनी प्यारी बिल्ली है। अरे यार मजाक मत कर यार, कोई काम है तो बता। अरे यहाँ है ना काम यार, बहुत ही बढ़िया काम है, चोरी करेगा चोरी। अरे हाँ करूंगा, पैसे मिलेंगे ना। अरे हाँ यार बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो बता दे फिर मुझे करना क्या है। और लास्ट में तुझे पार्सल उनको डिलीवर करना है और तू मेरे से फोन पे कनेक्टेड रही हो। अरे ठीक है भाई मैं कनेक्टेड रहूंगा। तो गाइस अभी मुझे लेसन ने बता दे मुझे क्या करना है, और बिना किसी देरी के चलते हैं उस जगह जहाँ पे हमको यार बड़ी सी चोरी करनी है। अरे फेंकी भैया हो गया ना पैसों का बंदोबस्त, अब वो पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते भाई, कर रहा हूँ। अरे ठीक है फेंकी भैया जल्दी करो, हम आए नहीं शोरूम देखने। अरे भाई लेने तो दो, रुक तो जाओ यार। तो गाइस अपन यहाँ से फटाफट चलते अंदर, और यहाँ पे हमको करनी बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली चोरी। शिनचैन का भी मेरे साथ फोन आया था, मैंने उसको बता दिया। और यहाँ पे गार्ड खड़ा है, इसको मारते फटाफट से। इसको मैंने मार दिया, यहाँ पे कोई गार्ड तो नहीं है। और भाई साहब यहाँ पे कितना ज्यादा अंधेरा हो रखा है भाई, यहाँ पे कुछ मुझे ढंग से देख भी नहीं। अच्छा वो तो मेरी गन के अंदर टॉर्च है इसलिए मैं आराम से देख सकता हूँ। यहाँ पे अपना एग्जिट फटाफट चलते आगे और देखते हैं। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, इसको मैंने मार दिया फटाफट से। अपन यहाँ से ऊपर चलते और यहाँ पे थोड़ी रोशनी, चलो थोड़ी तो रोशनी है भाई, कितना था अंधेरा कर रखा है, तभी तो यहाँ पे चोरी करने का मजा अलग है। मुझे जाना है इस लिफ्ट से ऊपर, और यहाँ पे ये लिफ्ट तो है लॉक लगी पड़ी है। अरे भाई मुझे इसके लिए की चाहिए होगी, अभी की कहाँ से लाऊं मैं। मुझे जल्दी से फटाफट से की ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ मिलेगी। इधर है कोई की, अरे की है क्या यहाँ पे कोई। अरे यहाँ पे देख लेते की, यहाँ पे तो कोई की नहीं है। अरे भाई यहाँ पे तो कोई की नहीं, मुझे फटाफट से की ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो तो सही पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। इस वाले रूम में चलते हैं, और यहाँ पे भाई साहब कितना बड़ा सा लग रहा है, किसी ने बेस बना रखा है भाई साहब। अभी फटाफट से अपने की ढूंढनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से अपनी की ढूंढते हैं।
अरे भाई साहब हर जगह ढूंढ लिया, बस इन लास्ट कपड़ों में देख रहे थे भाई, कपड़ों में तो कहाँ से ही होगी भाई साहब। अरे एक सेकंड, अरे भाई मिल गई। अरे भाई साहब पहले कपड़े में हाथ डालो, मुझे की मिल गई भाई, किसका कपड़ा था? पर कोई बात नहीं, हमें मिल चुके की। तो फटाफट चलते इस एलिवेटर के अंदर, यानी अपनी लिफ्ट के अंदर सीधा ऊपर चलते हैं। और हम ऊपर आ भी चुके हैं या तो नीचे है, पता नहीं कहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे ये, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे उधर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं, मुझे इनको फटाफट से मारना होगा। एक का आइडिया मेरे पास है ना, स्मोक है, मैं उनके ऊपर स्मोक फेंकता हूँ। उनको थोड़ा स्टाइल में मारते हैं यार, ऐसे नॉर्मल मारने का मजा नहीं, क्योंकि मैं उनको आराम से मार सकता हूँ, पर उनको थोड़ा स्टाइल में मारेंगे। ओ भाई चाचा ये देखो, ये हमने मैंने स्मोक बम यहाँ पे फेंक दिया, अपना ये वाला भी स्मोक फेंकते हैं और एक और स्मोक फेंकते हैं। यहाँ पे तीन तीन गार्ड दिख रहे हैं मुझे, और तो कुछ दिख नहीं रहा। मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया और ये मुझे देख तो नहीं पा रही है। देखो उसका ध्यान पूरा घूम चुका है, इसको फटाफट से मार दे, ये ले एक शॉट फटाफट से। और ये तो गोले चलने लग गया, इसको भी मार देते हैं फटाफट से। ये हमारा मर चुका है और ये हमारा ऐसे ही घूमने लग गया। अरे भाई कहाँ जा रहे इधर देख, पीछे देख, ये मुझे देख भी नहीं पा रही क्योंकि इनके आसपास पूरा स्मोक हो चुका है। इसको मैंने मार दिया और लास्ट वाला तो अपने आप ही बेहोश हो गया था और वो मर चुका है। तो अपन ऐसे फटाफट से चलते, और तो कोई गार्ड नहीं है ना, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ यार यहाँ पे और कोई गार्ड नहीं है, तो फटाफट चलते पहले देख लेते हैं। ये भर तो हुए ना, और इसकी भी खून निकल चुका, यानी हमारे मर चुका। ये ले एक और गोली और हमें चुरानी है ये वाली गाड़ी। अरे फ्रैंकी मेरी बात सुनो, फटाफट से इसमें से जो भी बैग है वो निकाल के बाइक पे जाओ, क्योंकि पुलिस वालों को पता है यहाँ से एक वैन निकलने वाली है। अबे क्या पुलिस का लफड़ा भी है केस में? अरे यार, अरे तो इतनी बड़ी चोरी करोगे और पुलिस भी पीछे नहीं आएगी क्या? अरे भाई ऐसी कौन सी चोरी थी? अरे उस वाली गाड़ी के अंदर बेशकीमती हीरा था। क्या हीरा? अरे भाई तो अपन रख लेते ना वो। अरे नहीं नहीं हम रख नहीं सकते, सबको पता चल जाएगा, हम उनको बेच देंगे और वो इस शहर से बाहर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। अरे बस तुम अभी यार पुलिस से दूर रहना। अरे ठीक है भाई, कोशिश तो करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे छुप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ यहीं पे खड़े रहो, अभी कोई पुलिस वाला आसपास नहीं है। अरे ठीक है भाई, मैं थोड़ी देर यहीं पे खड़े हो जाता हूँ। अरे भागो भागो वहाँ से। अरे भाई क्यों भागू भाई, कोई पुलिस वाला भी नहीं आ रहा। अरे देखो पीछे आ गया, अरे इसने मुझे देखा था ना। अरे इसने तो मुझे देख लिया। अरे भाई भागो, अरे आगे देखो। अरे ये क्या चल रहा है भाई, भागना पड़ेगा मुझे, यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, कोई दूर ही जाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस कैसे भी करके मैं पुलिस वालों से बचते बचाते यहाँ पे आ चुका हूँ। कौन सी पुलिस वाली? अरे वो अपना शोरूम है ना, तो उसके लिए सिक्योरिटी करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ पुलिस वालों को हायर कर लूं। मित्रों शोरूम के पैसों का बंदोबस्त हो गया क्या? अरे हायर मोदी जी, पूरा का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। एरी देखी पे मजे आएंगे। हाँ भाई यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले, क्योंकि हम खोलने वाले एक फ्री कार शोरूम। एरी है फेकी पे बहुत मजे आएंगे, एरी शोरूम बुक कर लेके। अरे नहीं बस यार मैं लेसर को भी फोन करके बोल देता हूँ कोई शोरूम बुक कर लेगा एरी टिकी फेंकी पे। तो कहे सर अभी अपन चलते सीधा लेसर को फोन करते हैं और एक मस्त सा शोरूम बुक करवाते हैं। A few moments later. तो गाइस काफी देरी के बाद आखिरकार हमें मिल चुका है अपना शोरूम। ये रहा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही गंदा शोरूम है, पर नहीं, ये इसकी बैक वाली एंट्रेंस है, अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो भाई साहब हमारा इतना ज्यादा बढ़िया वाला शोरूम, यहाँ पे बहुत सारी कार्स है, बहुत सारी बाइक्स है। और सामने इसकी एंट्री देखो, अभी आपको पूरा ढंग से दिखा देता हूँ कितना ज्यादा बढ़िया शोरूम है हमारा। पूरी एंट्रेंस से लेके एंडिंग तक आपको दिखाता हूं। यहाँ पे अपने स्टेयर से ऊपर आने के लिए यहाँ पे पहले अपन पूरा नीचे चलते हैं, बिल्कुल शुरू से दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमने अपने जो भी अपने कस्टमर आने वाले उनके लिए पार्किंग बनाई, यहाँ पे वो पार्क करके हमारे शोरूम में आएंगे अपनी नई नई गाड़ियां लेने। अभी यहाँ से चलते हैं अपन फटाफट से ऊपर, यहाँ से हमको कूद कूद के चढ़ते जाना सीधा ऊपर और यहाँ से वापस आ जाना ऊपर। और यहाँ पे मस्त हमने सोफा लगा रखा है ताकि यहाँ पे मस्त डील साइन करें और हमारे कस्टमर भी यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे चंगू मंगू इस शोरूम का ध्यान रखने वाले एक मैनेजर है और एक कबूतर है ऐसे ही फालतू का। और ये हमारे पास है यहाँ पे स्पोर्ट्स कार, रेसिंग कार बाइक्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स कार, सुपर कार और यहाँ पे मेरी बाइक है, यहाँ पे हमारे पास एसयूवी भी है, मतलब सारे के सारे शोरूम में हमारे कार है हमारे पास। और ये शोरूम का डिजाइन तो देखो यार कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ हमारे केबिन्स में, यार बहुत ही बढ़िया हमने केबिन बना रखे। अरे ये मैं का चला गया, फटाफट से सीटले के ऊपर चढ़ते और ये रहे हमारे दो बड़े बड़े एकदम बढ़िया वाले केबिन। और यहाँ पे मस्त हमने यार टीवी भी लगा रखे, सोफा लगा रखा है ताकि हम यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं और यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मस्त हमने बाइक भी अंदर डाल रखी ताकि एकदम बढ़िया लगे यार। ये रहा इसका गेट, यहाँ पे अपना सोफा है, यहाँ पे एकदम टेबल बनी हुई जो इसको भी काम करना हो। मित्रों ये शोरूम तो बहुत ही बढ़िया है। एरी है पेकी बे शोरूम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और भाई लगा ना बढ़िया, एरी है पेकी बे बहुत ही बढ़िया लगा यार। मित्रों शुरू कर दो फ्री शोरूम को। अरे ठीक है मोदी चंगू मंगू हमारी एड शुरू करो। लॉस एंटोस का सबसे पहला फ्री शोरूम, आप यहाँ पे आइए और जितनी भी गाड़ियां चाहिए ले जाइए, वो भी फ्री। यहाँ के ओनर है नरेंद्र मोदी जी। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा शोरूम यार कितना ज्यादा बढ़िया चल रहा है भाई। इतनी सारी भीड़ है भाई, देखो सारी लाइन में लोग मतलब खड़े हैं यार भाई इसे गाड़ी लेने के लिए। अरे भाई पौधे तो एक लैंप बल्ब चाहिए। अरे भाई साहब मिलेगी बस लाइन में खड़े रहो यार, सबको मिलेगी एकदम फ्री में गाड़ी, फ्री। तो गाइस अपन चलते अपने शोरूम के अंदर फटाफट से और यहाँ पे हम शुरू करने वाले एंट्री। आने दो सबको, लूटो फ्री में। A few minutes later. मित्रों यहाँ पे तो सब
खाली हो गया। तो गाइस यार अभी आप देखते हो हमारी सारी सारी गाड़ियां बिक चुकी है और यहाँ तक कि मेरी बाइक भी कोई ले गया भाई फ्री में यार। अब मुझे फटाफट से बहुत सारी गाड़ियों को ऑर्डर देना पड़ेगा, उधर फटाफट से अपनी गाड़ियों को ऑर्डर दे क्योंकि मेरे पास पैसे तो बहुत सारे हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना हमारा शोरूम कैसा लगा ओ क्या नीचे में तो अरे यार। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन और फॉलो कर लो ताकि हम वहां पे बैठ के बातें कर सके। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।